गाइस वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आज के अपने इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिटरेरी वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बेकन। जी हाँ, फ्रांसिस बेकन की लाइफ और उनके लिटरेरी वर्क से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्रांसिस बेकन का जो जन्म है वो 22 जनवरी 1561 को हुआ था एंड ही वॉज डाइड ऑन 9 अप्रैल 1626। एंड इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें फ्रांसिस बेकन की, तो फ्रांसिस बेकन अपने साइंटिफिक मेथड्स के लिए फेमस हैं। किस तरीके से उन्होंने अपने वर्क्स में, अपने लिटरेरी वर्क्स में साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया है एंड हाउ उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं किस तरीके से साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक मेथड से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये सब डिस्कस आज हम अपने इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के सेशन में करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फ्रांसिस बेकन। आज का पहला क्वेश्चन है वीडियो का, फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न इन, आंसर इज 1561 में फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा इस वीडियो का, फ्रांसिस बेकन हैज कॉल्ड द फादर ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म इज दैट फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इन्होंने थ्योरी दी है दैट नॉलेज आपको जो आती है दैट कम्स प्राइमरी फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जो आप महसूस करते हो अपने सेंसेस के थ्रू, यू गेट नॉलेज फ्रॉम दैट। द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज इज from sensory experience, that is called empiricism, and he is called the father of empiricism in history of English literature, and this was Francis Bacon. Next is Bacon's general conception of essay was borrowed from, option hamare samne hai and the correct answer is option D Montaigne. He got this idea of essay, writing essays from Montaigne. Unhone Montaigne se ye बोरो किया है इसे लिखने का जो आइडिया था। नंबर फोर इज विच वर्क ऑफ बेकन वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू हिज सडन डेथ, ऑप्शन है हमारे पास एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू अटलांटिस। न्यू अटलांटिस विच वॉज पब्लिश इन 1627। फ्रेंड बेकन वॉज डाइड इन 1626 में बेकन की डेथ हो गई थी एंड ये जो इनका वर्क था न्यू अटलांटिस इट वॉज इनकम्प्लीट एंड ये जो इनकम्प्लीट था ये पब्लिश हुआ है 1627 में आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट वी हैव विच वर्क ऑफ बेकन इज अनदर यूटोपिया, दैट इज न्यू अटलांटिस जो इनका इनकम्प्लीट वर्क है, ये दिस इज द अनदर यूटोपिया बाय फ्रांसिस बेकन एंड विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई दी थॉमस मोरेज यूटोपिया। थॉमस मोर के यूटोपिया से ये इन्फ्लुएंस्ड होकर के लिखी गई थी जो बेकन ने, फ्रांसिस बेकन ने जो वर्क लिखा है न्यू अटलांटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकन बिकेम अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट इन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन 1584 ही बिकेम द मेम्बर ऑफ द पार्लियामेंट एंड फ्रेंड्स ही सर्वड इंग्लिश गवर्नमेंट एज अटॉर्नी जनरल एंड ऑल्सो लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट को जो सर्व किया है, इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो एक उपाधि मिली थी, जो एक टाइटल मिला था, दैट वॉज अटॉर्नी जनरल एंड ऑल्सो लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड एंड ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1584। क्वेश्चन इज बेकन्स एसेज इन फर्स्ट एडिशन आर डॉट डॉट इन नंबर्स, दे आर 10 इन नंबर्स एंड दे वर फर्स्ट पब्लिश इन 1597। द एसेज which was first published in first edition in 1597 usme 10 essays the and the second edition jab aaya that was came in 1612 with 38 essays and next the last one that came in 1625 with 58 essays. So Bacon's ke jo essays hain they were divided into three editions, the first in 1597 with 10 essays, second in 1612 38 essays and the last one was in 1625 with 58 essays. Please do remember this thing because questions isme se bahut puche jate hain ki question third edition Bacon's ke Francis Bacon ke essays ka kab aaya, kis year publish hua tha and how with how many essays, then that was in 1625 with 58 essays. Next question is who called Bacon's style an index of the emergence of the modern world, that was said by Elsie Knights.
नेक्स्ट वी हैव व्हाट वाज फ्रांसिस बेकन मोस्ट फेमस फॉर. हियर इज द करेक्ट आंसर. लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड. ही वॉज मोस्ट फेमस फॉर लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड. ही वॉज नॉट एज अ पोएट एज एन एसेइस्ट बट ही वॉज इवन रिगार्डेड एज एन एसेइस्ट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर. बट द मोस्ट फेमस दैट ही वॉज फेमस फॉर इन इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लैंड गवर्नमेंट दैट वॉज द लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड. नंबर 10 इज न्यू अटलांटिस इज मॉडल्ड ऑन. Already I have told you this answer. That was modeled on More's Utopia. Yes friends, Thomas More ki Utopia se influence ho karke ye work likhi gayi hai. Usko as a model Francis Bacon ne regard kiya tha when he was started writing New Atlantis, his utopian work, which was published after the death of Francis Bacon in 1627. Mein publish hui hai and it was the incomplete work of Francis Bacon, the New Atlantis. Next we have Bacon's The Advancement of Learning appeared in, that was in 1605. Question number 12 is, who called Bacon the first stage as he remains of sheer mass and weight of genius? That was said by Hugh Walker. He was the critic and he said this remark about Francis Bacon. Question number 13 is, what is Francis Bacon most famous for? Yes, friends. The option we have and the correct answer is option B, creating the scientific methods. He was most famous for in history of English literature as the creator of the scientific methods in his works, in his life and in the history of English literature. Next we have Councils, Civil and Morale is the subtitle given to, that was given to the Francis Bacon's essays. This was the subtitle given to the Francis Bacon's essays, which was published in 3 editions. The first published in 1597. And this was the subtitle, Council, Civil and Moral, is the subtitle of the Francis Bacon's essays. Or friends, jo Francis Bacon ne essays likhe hue hain, wo Francis Bacon, wo Bacon's essays ke name se hi jane jate hain history of English literature mein. And unki jo subtitle hai, uska jo second name subtitle diya gaya hai, that was Councils, Civil and Moral. Next we have, the first edition of Bacon's essays were published in, yes friends, this was published in 1597 with 10 essays. 10 essays ke saath mein ye 1597 mein published hui hai, which, that is known as Bacon's essays in history of English literature. Question is, question number 16, Bacon's history of the reign of King Henry VII appeared in, the correct answer is in 1622. It was published in 1622 and it was the work related to the Tudor King Henry VII. And the next question we have, when was Francis Bacon Lord Chancellor of England? That was the time from 1617 to 1621. This was the time duration when Francis Bacon was entitled, was given the post Lord Chancellor of England by the government of England or by the monarchy of England. And the next question is, where did Francis Bacon die? That was in London in 1626. Francis Bacon was died in London in 1626. Number 19 is, where does Bacon advise one to divide with the reason between self-love and society? That was in Wisdoms for a Man's Self. This was the essay by Francis Bacon and he advises one to divide with the reason between self-love and society. And next and the last question of the video of the Francis Bacon, here we have, which writing of Bacon is philosophical work? That was the New Advancement of Learning, which was published in 1605. This was the work by Francis Bacon and it was related to the philosophical work. And friends, this was, we had discussed here the important MCQs related to the works and life of the Francis Bacon and about his scientific methods here in this particular video. And please stay connected with English Zone for the informative contents of English literature here on English Zone. Thank you very much for watching this.